नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। यूपी में 1 लाख टेस्ट किए जाने लगे हैं। कोविड-19 के 70,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। रोज वहां भी 2,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि 1.5 लाख से अधिक कोविड बेड राज्य भर में बन चुके हैं। राज्य में संक्रमण के जितने केस हैं उससे कई गुना ज़्यादा कोविड के बेड बना दिए गए हैं और 1,000 बेड ऐसे हैं जिनमें वेंटिलेटर की सुविधा है। ये सब बयान आते हैं, ये सब बयान दिए जाते हैं। इसके बावजूद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के 6 डॉक्टरों ने अपने वाइस चांसलर को पत्र लिखा है। यह अस्पताल यूपी में कोविड की लड़ाई का मुख्य केंद्र है और सबसे बड़ा अस्पताल है माना जाता है, जिस पर सारे वीआईपी की नज़र होती है। और इस पत्र में अपने वाइस चांसलर को, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो जो लिख रहे हैं, वो गौर कीजिए। ध्यान रखिए कि वो कई महीनों के बाद, कोविड-19 के कई महीनों के बाद ये पत्र लिख रहे हैं। द रेजिडेंट वेलफेयर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य आपको बताना चाहते हैं कि हम रेजिडेंट को बहुत ही ख़राब स्तर का खाना दिया जा रहा है। हाल फिलहाल खाने में कीड़े मिलने की कई घटनाएं हुई हैं, जिनकी तस्वीरें भी इस पत्र के साथ आपको दी जा रही हैं। 24 घंटे ड्यूटी करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर को आराम करने की कोई जगह नहीं दी गई है। कई जगहों पर तो ये देखा गया है कि कमरे में पंखा तक नहीं चलता है। इस मौसम में, उमस भरे मौसम में एसी की उम्मीद छोड़ दीजिए। कोविड के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के साथ ऐसा व्यवहार अमानवीय जैसा है। दुनिया भर की सरकारें अपने डॉक्टरों के लिए कितना कुछ कर रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ने मौखिक और लिखित रूप से कई बार शिकायतें की अथॉरिटी को, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपसे अनुरोध है कि इन मामलों में दखल दें, त्वरित कार्रवाई करें। आपके द्वारा त्वरित कार्रवाई हमारा मनोबल बढ़ाएगी। ये पत्र लिख रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो लखनऊ के हैं। कायदे से वाइस चांसलर को ही ये सब बातें पता होनी चाहिए। उन्हें पहले से देखना चाहिए कि डॉक्टरों के खाने का, बैठने का इंतज़ाम क्या है, उनकी सुविधाएं क्या हैं, और इसे ठीक कर देनी चाहिए। लेकिन 4 महीने गुजर जाने के बाद अगर लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, इन मामूली सुविधाओं को लेकर पत्र लिख रहे हैं, तो सोचिए कि जिलों में क्या हालत होगी। झांसी से लगातार अव्यवस्था की खबरें आ रही हैं, जबकि प्रशासन ने कई दौरे करके इसे ठीक करने का प्रयास किया। कई महीने अब बीत चुके हैं, मगर झांसी में स्थिति लगता है संभल नहीं पा रही है। राज्य के स्तर पर भले ही यूपी में 1 लाख टेस्ट का दावा किया जा रहा हो, लेकिन इसे जिलों के स्तर पर भी देखना चाहिए कि किस जिले में ज़्यादा हो रहे हैं और किस जिले में कम, क्योंकि यूपी के जिलों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। झांसी में करीब 2200 के करीब पिछले दिन टेस्ट हुए थे। मऊ रानीपुर से आए एक मरीज संजय गेड़ा ने अपना वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सोमवार को संजय जी की हालत बिगड़ने लगी। संजय गेड़ा एक स्कूल में सहायक प्राध्यापक प्रिंसिपल थे और इस वीडियो में कह रहे हैं कि उनकी देखभाल करने कोई नहीं आया, पानी देने वाला कोई नहीं था, किसी और अस्पताल में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। कुछ समय बाद संजय गेड़ा जी की मौत हो जाती है। अवस्था है और परेशान हो रहे हैं। नहीं है तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, हमें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है, बहुत लापरवाही हो रही है। ध्यान दें, ये क्यों हो रहा है इसे समझने की ज़रूरत है। राज्य सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा है कि ज़िलों के जो डॉक्टर हैं या स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनके भीतर इस बीमारी को लेकर कई तरह की धारणाएं बैठ गई हैं। क्या उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा है? उन्हें लगता है कि उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है और उन्हें, जैसे दिल्ली का LNJP है या लखनऊ का ही KGMU है, वहाँ के डॉक्टरों से इनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए।
ताकि ये मरीज से दूर ना जाएं और मरीज की देखभाल करने के लिए ये और पूरी तरह से लैस हो सकें। ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना हो सकता है, ये कारण हो सकता है कि ज़िलों में बार बार दौरे के बावजूद हालात इसलिए भी नहीं सुधर रहे हैं कि स्वास्थ्यकर्मी को लगता है कि कोरोना है तो उन्हें भी हो जाएगा और इस तरह से सबकी जान चली जाएगी। जो बातें सरकार राज्य के स्तर पर या देश के स्तर पर कहती है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने डॉक्टरों को ट्रेनिंग के वक्त कहे कि आपकी सुरक्षा का भी इंतज़ाम किया गया है प्रॉपर, आप इसकी चिंता ना करें। तो शनिवार को यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी भी झांसी गए थे और वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। इसके बाद भी ये हालत है। जाहिर है ये निर्देश से चीज़ें नहीं संभलने वाली हैं, ये चीज़ें संभलेंगी अब काउंसलिंग से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की। झांसी से आते हैं आगरा। आगरा से 30 किलोमीटर दूर एक गाँव में लोगों ने जलती चिता से एक महिला का शव खींचकर उतार दिया। गांव के सवर्णों को एतराज़ था कि उनके शमशान घाट में अनुसूचित जाति की महिला का अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है। ये क्या लेवल है अहंकार का, देखिए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि कोई शिकायतकर्ता नहीं है। चूंकि जांच हो रही है इसलिए अभी तक FIR नहीं हुई है। तमी होला दिमाग घुमाई रहा तमी यार, जो काम करो ते करो नी यार, है ना होगा। देखिए सजी हुई चिता से पूजा की अर्थी कुछ यूं हटाई गई। और गेलो पर घर वालों के दिल पे क्या गुजरी होगी, एक तो 24 साल की उम्र में वो गुजर गई, दूसरे सजी हुई चिता पे शव को मुखाग्नि नहीं देने दी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें रोकने वाले पूजा को नीच कौम समझते हैं। कितने जलील हुए होंगे उसके घर वाले। और जैसे हमने मुखाग्नि देनी चाहिए बच्चे ने, ऐसे में साहब ठाकुर समाज के लोग आ गए कि ये हम लोगों का ये शमशान है, आप इस पे दूसरी समाज का कोई भी नहीं इस पे दर संस्कार कर सकता है। अब साहब हमारे जो पहले जो हमारे जो मरघटते उन्होंने पे कब्जा हो चुका था, हम मजबूर थे साहब, हम कुछ कर नहीं सकते, हमने बहुत मन्ने थे कही उनसे पर वो नहीं माने। पूजा की चिता फिर 4 किलोमीटर दूर उसकी जाति की बस्ती में सजाई गई। उसके 3 साल के बेटे रोहन ने माँ को मुखाग्नि दी। यह मंजर जिसने देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। जाहिर है कि पूजा ने इस कौम में पैदा होने की वजह से जिंदगी में बहुत जिल्लत बहुत अपमान बर्दाश्त किया होगा, लेकिन मरने के बाद किसी के शौक का अपमान कम होता है। फिर साहब पुलिस भी आ गई, पुलिस ने भी हमारे लिए साथ दिया। अब पुलिस ने साथ दिया तो वो लोग साहब दंगा फसाद के आने को तैयार हो गए साहब। हमने समझा कि कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं हो जाए जिससे कोई भारी परेशानी हो जाए, इसलिए साहब हमने मजबूरन हमारे समाज का यहाँ से 4 किलोमीटर गांव है नंगला लाल दास, वहाँ पे दूसरी जगह जाके वहाँ पे हमने दाह संस्कार करना। पूजा के घर वाले खानाबदोश नट हैं जो 20 साल पहले यहाँ आके बसे थे, तब वो 4 साल की थी। अच्छा हुआ कि वो ये देखने के लिए जिंदा नहीं है कि उसे इतना नीच समझा गया कि जिस मिट्टी में खेलते उसने 20 बरस गुजारे उस मिट्टी में उसे जलने की भी इजाज़त नहीं मिली। एक बार खुद को नटों की जगह रख के सोचिए क्या बेबसी होगी, क्या जिल्लत होगी। गांधी से लेकर अंबेडकर तक सब इस जगह आके नाकाम हो जाते हैं और संविधान भी। आपने इसके बाद पुलिस में कोई कंप्लेंट की आप लोगों ने कि ऐसे से हुआ है? नहीं नहीं, वहाँ पर वो तो पुलिस तो थी वहाँ पर, मैं जो कंप्लेंट क्या करते, जो भी बाकी था तो पुलिस के ही सामने हुआ था। अब पुलिस ने जांच बिठाई है, देखिए वो जांच कैसे होती है, उसका नतीजा क्या होता है। ये मामला जो है मीडिया के थ्रू पुलिस के संज्ञान में आया था, हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लेके
खुद से जो है पुलिस की टीम भेजी गई वहाँ पे, और इंस्पेक्टर अचनेरा और सीओ अचनेरा को भी भेजा गया वहाँ पे जांच करने के लिए, और जो वो भी जो भी जांच रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस देश में जातियों को लेकर के भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। राजशाही में तो दूसरी बात थी, लेकिन लोकतंत्र में किसी के लोकतांत्रिक अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं, इसलिए इसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। आगरा में नसीम के साथ, लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया। तो आपने देखा कि इस घटना को लेकर मायावती ने भी कार्रवाई की मांग की है, मगर लगता है कि समाज बेखौफ हो चुका है। उसके दिमाग में इस तरह की बातें अब कचरे की तरह नहीं जमी हैं, वो इसे हीरा समझता है। तभी तो गांव में कुछ लोग जाति के नाम पर जमा हो जाते हैं, और एक महिला का लाश इसलिए चिता से उतार देते हैं कि वो नट जाति की है, अनुसूचित जाति की है, उसकी जाति का दर्जा उनके दिमाग के हिसाब से कुछ और है, जबकि संविधान में हम सब बराबर हैं। तो ये लोग कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्हें क्वारंटीन में डाला जाए और 2-3 महीने तक इनकी काउंसलिंग की जाए लगातार, कि इनके दिमाग में किस तरह का भूसा भरा हुआ है कि मरने के बाद भी किसी के साथ ये ऐसा कर सकते हैं कि लाश को चिता से उतार सकते हैं। इससे अधिक शर्मनाक चीज़ क्या है? आप दुनिया में एयरपोर्ट पर जाके ढिंडोरा पीटिए कि विश्वगुरु बन गए हैं, और कोई पीछे से खबर दिखा दे कि आपके यहाँ लाश इसलिए उतार दी जाती है क्योंकि उसकी जाति अलग है। इस तरह का समाज हम कब तक ढोते रहेंगे? और जब तक इस तरह का समाज ढोते रहेंगे, इस देश में किसी भी प्रकार के संवैधानिक नैतिकता की बातें, यही वो लोग हैं जो इन बातों को धुंधला कर देते हैं, पतला कर देते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। ये किसी भी दौर में किसी भी सरकार के तहत अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इनके दिमाग में है कि वो इतना पता रखते हैं कि किस जाति का शव आ रहा है, कि शमशान में जाके कहते हैं कि उनकी जाति का शव है तो चिता से उतार देते हैं। इन सब का वीडियो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में डाल के इस स्टोरी का बार बार दिखाया जाना चाहिए कि उनके दिमाग में ये बात आई कहां से, उसका पता लगाया जाना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, और इस सनक की कोई जो दवा है मनोवैज्ञानिक वो किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। वरना ऐसी कहानियां अनगिनत तौर पर रोज इस देश में अलग अलग राज्यों से आती जा रही। अब चलते हैं महाराष्ट्र से और फिर बेंगलुरु जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि प्राइवेट अस्पताल भी कोविड के मरीजों से वही फीस लेंगे जो सरकार तय करेगी, लेकिन ऑनलाइन शिकायतों का अंबार लग गया है, जिसमें लोग लिख रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल है मुंबई में, वो 15-20 लाख रुपए का बिल बना रहे हैं और तरह तरह के खर्चे उसमें जोड़ रहे हैं। BMC ने ऐसे 37 अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से कारण बताओ पूछा है। BMC ने जो पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट है वो मैं पढ़ रहा था, तो पूजा ने बताया है कि कोई काफ़ी बड़ी संख्या में 2000 के आसपास की संख्या में शिकायतें की गई हैं, लेकिन BMC ने 1000 से अधिक शिकायतों का निपटारा भी किया है और 4 प्राइवेट अस्पताल को कोविड केयर की सूची से बाहर कर दिया है। अब बताइए कि हम तो ये समझ रहे हैं कि हम देश सब कुछ मिलके लड़ रहे हैं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर चिट्ठी लिख रहे हैं लखनऊ में कि खाने में कीड़े आ रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में लूट की योजना बन रही है। तो या तो जब सरकार ने रेट तय किया तो सरकार से बात कीजिए कि इसमें आपका गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके बाद भी अगर रास्ता निकालकर 15-20 लाख रुपए लिए जाना है, लेने ही हैं, तो क्यों ना एक कानून बना के लूट को ही जायज ठहरा दिया जाए। आइए लूटिए, लूटना कानूनी रूप से जायज है, 15-20 लाख रुपया देना। अगर इसी तरह की अगर सिस्टम हम बनाते जाएंगे, देखते जाएंगे और उसका प्रसार करते जाएंगे, तो यही अंत में होना है। बेंगलुरु से भी निहाल ने एक ऐसी ही खबर दी है कि वहां सरकार को प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मिले हुए अधिकारों का सहारा लेना पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों में 200 से ज्यादा बेड्स मौजूद थे, इसके बावजूद कोविड के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजा गया। सरकारी अस्पतालों से जब मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा जाता है तो उसका खर्च सरकार उठाती है, ऐसे में नियत पर शक होता है। देखिए, मरीज को हम उनकी लोकेशन से नजदीक के होटल में भेजते हैं,
यही हमारी प्राथमिकता है। ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बेड्स होने के बावजूद हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों को भेजते हैं। वैकेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भले ही अब सफाई दे रहे हों, लेकिन जब हमने इस मुद्दे पर बीबीएमपी कमिश्नर से उनका रुख जानना चाहा, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। मामला यहीं नहीं थमता। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जो यात्री बेंगलुरु पहुंच रहे हैं, उन्हें भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य है। या तो यात्री मुफ्त में सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटी में रहे, या फिर पैसे देकर स्टार या बजट होटल में। सबका रेट तय है, जिसमें 3 वक्त का खाना भी शामिल है। मैं जैसे ही बेंगलुरु पहुंची, हवाई अड्डे पर मुझे 2 तरह के होटलों के विकल्प दिए गए, बजट या फिर 5-स्टार होटल का। मैंने 5-स्टार होटल चुना, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही 5-स्टार होटल का विकल्प था। और जब मैं वहां गई तो मुझे बहुत मायूसी हुई। मैंने पैसे दिए, इसके बावजूद व्यवस्था ठीक नहीं थी। हाल ही में मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने BBMP कमिश्नर को हटा दिया था, क्योंकि 10,100 बेड्स की क्वारंटीन फैसिलिटी में जितने में बेड्स किराए पर उन्होंने लिए थे, उससे कम कीमत पर बेड्स खरीदे जा सकते थे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। अब उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो BJP में राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। उनके लिए पार्टी ने शानदार दफ्तर हर जिले में बनवाने का फैसला किया था। JP नड्डा ने आज ट्वीट किया है कि अमित शाह के नेतृत्व में 500 नए दफ्तर बनाए गए, ब्रांड न्यू, और 400 और दफ्तर बनाए जाएंगे। ऐसे ही नए दफ्तर बनाए गए हैं ताकि सेवा भाव से राजनीति में आने वाले कार्यकर्ताओं को खराब दफ्तरों और सीलन भरी दीवारों का सामना ना करना पड़े। और नए दफ्तरों का उद्घाटन हुआ है झारखंड में। इसे देखिए कि निर्माण की प्रक्रिया, इससे कितने लोगों को रोजगार मिला होगा। दूसरे दलों को भी नए नए दफ्तर बनाने चाहिए, अगर उनके पास पैसे हैं तो। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम ब्रेक के बाद आते हैं। करै छै तऽ ओहो बाहर दिल्ली जाइ छै तऽ कमाइ उमाइके आनै छै तऽ अपन खाइ छियै। हमरा चाहलकै कि सदस्य बनैके लिए, जनता 10 गो चाहलकै तऽ हम सदस्य बनि गेलियै, नहि तऽ हम इहो बनै लए नहि चाहै रही। 10 गो जनता हमरा ठाड़ करलकै तऽ हम होलियै, तऽ भगवान कृपासँ हम जीत गेलियै, तऽ हम जनताके शुक्रिया मनबै छी। हमरा विरोधमे तऽ बहुत लोग ठाड़ होलै, मगर जनता हमरा वोट देलकै। ई तऽ कोनो चोरी छुपी नहि छै। तो आपने देखा कि ये भी एक जनप्रतिनिधि हैं, कितना कम संसाधन है, टीवी डिबेट में भी नहीं आती हैं, लेकिन बाढ़ के वक्त वो कितनी मुस्तैदी के साथ लोगों की मदद कर रही हैं। ऐसे लोगों को विधायक और सांसद बनाना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका खजाना भर गया है, उनका खजाना अभी खाली करवाइए, चुनाव आ रहे हैं। खैर, दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट है कि गोकुलपुरी, जो पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है, जहां के बाजार दंगों में काफ़ी जल गए थे
वो अब शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जो मुआवजा देने की बात कही थी वो प्रक्रियाओं में ही सारी चीज़ें अभी तक उलझी हुई हैं। ये तस्वीरें 5 महीने पुरानी हैं, जब दिल्ली की हिंसा में गोकुलपुरी का टायर और ऑटो पार्ट्स का बाजार तबाह हो गया। लेकिन अब ये बाजार दोबारा गुलजार हुआ है, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। फजलुर रहमान उर्फ फज्जू मास्टर की जिंदगी के पहिए थम से गए थे, लेकिन 5 महीने बाद पहियों का कारोबार फिर पटरी पर आया है। फज्जू की इसी बाजार में टायर की 4 दुकानें थीं, जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। आग बुझाने के चक्कर में फज्जू का पैर तक जल गया था। अब तक उन्हें कोई सरकारी मुआवजा नहीं मिला, लेकिन सामाजिक संस्थाओं की मदद से पाई पाई जोड़कर उन्होंने दुकानों की मरम्मत कराई और सामान मंगाकर दोबारा दुकान खोल ली है। किसी से कुछ उधार लिया, रिश्तेदारों से कुछ अपनी चीज़ें वगैरह रखी। पहले 20 साल पहले हम मेरठ के रहने वाले, 20 साल पहले मकान बेच के यहाँ दुकानें खरीदी थी यहाँ पर। जो 20 साल की मेहनत थी सब खत्म हो गई। वो तो अब तो नए सिरे से थोड़ा थोड़ा माल ला रहे हैं। कुछ बोर्ड ने काम करवाया था, बाकी का काम इन्होंने जमीयत उलमा हिंद वालों ने मार्केट तैयार करवाई है, मस्जिद तैयार करवाई है। बाकी सरकारी तो 2-4 लोगों को मुआवजा मिला, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। फज्जू मास्टर के बगल में मोहम्मद अकरम की दुकान है, उन्होंने भी 5 महीने बाद दुकान खोलकर नई शुरुआत की है, बिना किसी सरकारी मुआवजे की। अकरम की दुकान भी लूट के बाद जलाकर राख कर दी गई थी। दंगों के दिन सर हम यहाँ नहीं थे, तो दोपहर को हमें पता चला कि यहाँ पर हालात ख़राब हैं, तो हम अपनी शॉप बंद करके अपने घर जा चुके थे। फिर हमें रात को पता चला, हमने न्यूज़ में देखा था कि मार्केट में दुकानों में हमारी आग लगा दी गई है। दुकान जो हमारी बनाई गई है ये उलमा हिंद वाले हैं, जिन्होंने हमारी मदद करी है, दुकान बनवाई है, मटेरियल सामान दिया है, ईंटें बदरपुर सब कुछ उन्होंने दिया है। वो काम करने के लिए थोड़े बहुत पैसे भी दिए हैं उन्होंने। सरकार से कोई हेल्प मिली आपको? सरकार से अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली सर। अच्छा, लॉकडाउन के अंदर जो जला हुआ था, हमारी मार्केट बंद थी, जली हुई थी मार्केट, उसके अंदर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद हम यहाँ कोई आए नहीं है, उसके टाइम पर चोरी चकारी भी हुई है यहाँ पर मार्केट में। इसी बाजार में ऑटो पार्ट्स की ये दुकान है शहाबुद्दीन की, उनकी दुकान की कहानी भी वही रही। उन्होंने अब लोगों की मदद से नए सिरे से अपने धंधे की शुरुआत की है। शहाबुद्दीन कहते हैं कि थाना गोकुलपुरी इस मार्केट के बगल में है, फिर भी दंगाई यहाँ 3 दिन तक लूटपाट और आगजनी करते रहे। ये 24 तारीख की बात है, 24 फरवरी को जो यहाँ पे दंगा वंगे हुए थे, तो हम चले गए थे शाम को 6 बजे मार्केट बंद करके। तो उसके बाद घर पर पहुँचे जब तो पता चला कि आग लग गई पूरी मार्केट के अंदर। तो दूसरे दिन आनंद ने देखा आनके, तो सारी इधर के हिस्से जला था। फिर दूसरे दिन 25 तारीख की शाम को फिर आग लगाई थी इन्होंने, जो पीछे का हिस्सा और बैक साइड का हिस्सा। 3 दिन तक बराबर आग लगती रही यहाँ पे, जबकि थाना करीब है, फायर ब्रिगेड वाले करीब हैं, फोन बहुत सारे करे सारे मार्केट वालों ने। तो उनका कहना ये था कि हम अपनी गाड़ी नहीं फुकाएंगे भेज के, मतलब कोई गाड़ी इंतजाम नहीं, थाना करीब था और सारे जो दंगे आए थे उन्होंने आग लगाई और माल भी लेके गए। किसी तरह इन लोगों का कारोबार शुरू तो हो गया, लेकिन अब भी सरकारी मुआवजे और दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का इंतजार है। इस मार्केट में कुछ दुकानें ऑटो पार्ट्स की हैं तो अधिकतर टायर की हैं। 5 महीने बाद इन दुकानों की सूरत तो बदल गई, लेकिन इन दुकानदारों के दिलों में दंगों के जो जख्म हैं वो शायद ही कभी मिट पाएंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन आदिल के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। बलदीप कौर 10वीं में पढ़ती हैं, 85% नंबर लाए थे उन्होंने। पंजाब में आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के 3 ऐतिहासिक अध्यादेशों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बलदीप ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन में शामिल हो गई तो बठिंडा में चर्चा के केंद्र में आ गई। Thank you.
मध्य प्रदेश से कई किसान लिख रहे हैं कि सोयाबीन के लिए पिछले साल जो 500 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का वादा किया गया था वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। दूसरी तरफ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट बता रही है कि फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने के बाद भी, फसल का नुकसान होने के बाद भी बीमा कंपनियां मुआवजा नहीं देती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय पर रूपनारायण अपने परिवार के नाम से 5 कृषि खातों की करीब 60 बीघा जमीन पर हर साल सहकारी संस्था से ऋण लेते हैं और हर फसल में फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी भरते हैं, लेकिन कहते हैं बीमा आज तक नहीं मिला। बीमा हमारा फूल काटते हैं वो वहाँ की जगह, हम पूछते हैं कैसा बीमा कब मिलेगा, तो वो कहे कि जब सरकार की तरफ से आएगा जब मिलेगा। कभी कहते हैं कि पटवारी ने वो गिरदावरी नहीं करी है, गिरदावरी उस पटवारी से पूछने जाए तो तुम्हारे उसने पैसे नहीं काटे होंगे। ऐसे हम चक्कर काटते हैं सोसाइटी के और आज तक कोई पैसा नहीं गया, हमारी चप्पले घिसा के जाते जाते। आवर गाँव में नारायण सिंह कहते हैं उनके गाँव में किसी किसान को फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला, जबकि आस पास के दूसरे गाँव में इसका लाभ मिल गया है। प्रीमियम हमारा करीबन 15,000 के आसपास पर ईयर प्रीमियम देते हैं। एक फसल का दो फसल का करीब 30,000 हो जाता है। हाँ, 30 के आसपास एक एवरेज है, फिक्स नहीं बता सकता हूँ। और उसके बाद 18 में जो बीमा आना था हमें, वो बीमा हमारे को नहीं मिला, लेकिन मेरे खेत के पास में एक खेत लगा हुआ है माली खेड़ी को प्रीमियम मिला है। आवर की जमीन के पास में लगी है देवली की वालों को इसका बीमा मिला है। उधर रोजानी पास में है हमारे, तीनों दिशाओं में 3 गांव है, तीनों को प्रीमियम जमा हुए हैं और बीमा भी मिला है। खराब मौसम और खेती के लिए कर्ज से राहत के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अमूमन कर्ज देने वाला बैंक, सहकारी संस्था खुद रकम खाते से काटकर बीमा कंपनी को दे देती है। सरकारी व्यवस्था में पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर किसान के खेत पर जाकर नुकसान का आकलन करते हैं, लेकिन यहाँ पेच है क्योंकि इसका पैमाना खेत, गांव वाला या गांव न होकर पटवारी हल्का है। जानकार पटवारी हल्के के अलावा भी इसमें कई कमियां गिना रहे हैं। अगर 100 हेक्टेयर से कम बुआई हुई है, अगर उस यूनिट पर 100 हेक्टेयर से कम बुआई हुई है तो उस फसल का बीमा नहीं होगा। जो यूनिट है वो किसान रखना चाहिए था, ये देश के किसानों की मांग थी, पर अभी भी एक पंचायत स्तर है, पटवारी हल्का है, तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत से किसान उसका फायदा नहीं ले पाते हैं, उसमें कई प्रॉब्लम आती है। इसमें इंडेमिनिटी 80% का फैक्टर है, मतलब आप 100 रुपए का बीमा कराएंगे तो आपको अधिकतम 80 रुपया मिलेगा। किसानों को, जानकारों को एतराज है, लेकिन सरकार को लगता है पटवारी हल्के से ज्यादा फायदा हो रहा है। फसल बीमा की इकाई को तहसील की बजाय पटवारी हल्का किया और उस समय पटवारी हल्के थे 11,622, उसको हमने पंचायत को पटवारी हल्का माना और इसलिए 23,000 पटवारी हल्के मध्य प्रदेश में है और इसलिए 23,000 और 54,000 गाँव है, तो 23,000 दो गांव पर एक, कई गांव के एक गांव की भी पंचायत है अधिकांश, तो इसलिए एक गांव की भी इकाई है और पटवारी हल्का इकाई होने के कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ अधिक मिल रहा है। साल 2017-18 रबी सीजन में 59,89,531 किसानों ने बीमा करवाया। किसान केंद्र राज्य ने मिलकर 1,411 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा, दावा मिला 171 करोड़ रुपए का। 2018 खरीफ में 35,244 किसानों ने प्रीमियम भरा, 4,049 करोड़ रुपए का दावा वितरण हुआ 1,921 करोड़ रुपए का। 2018-19 रबी सीजन में 25,04,463 किसानों ने बीमा करवाया, 1,473 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ, भुगतान हुआ 1,060 करोड़ रुपए का। 2019
खरीफ में 37,27,835 किसानों ने बीमा करवाया, 2,350 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया, पैसे मिले नहीं हैं। 2019-20 रबी सीजन में 34,38,996 किसानों ने बीमा करवाया, 947 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया, दावे का निपटारा नहीं हुआ है। वैसे 2018 से बीमे का पैसा भी सियासी दावपेच में उलझा था। 1 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 लाख किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा दावा राशि के 2,981 करोड़ रुपए मंत्रालय से ऑनलाइन ट्रांसफर किए। सरकार ने कहा खरीफ 2018 और रबी 2018-19 की फसल बीमा राशि का प्रीमियम किसानों ने तो जमा करवा दिया लेकिन सरकार ने नहीं। ऐसे में उन्होंने कुर्सी संभालते ही राज्य का हिस्सा 2,200 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा करवाया। किसानों को लेकर हर सरकार बातें कितनी अच्छी अच्छी करती है लेकिन हकीकत में अगर सिर्फ फसल बीमा योजना की बात करें तो मुनाफे की फसल कंपनियां काट रही हैं, किसान नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने अब ये तय किया है कि वो खुद फसल बीमा कंपनी बनाकर किसानों तक इसका फ़ायदा पहुंचाएगी। केंद्र सरकार ने भी इसे स्वैच्छिक करार दिया है लेकिन फिर भी किसानों तक इसके फ़ायदे के मैसेज भेजे जा रहे हैं जो पिछले 3 से 4 सालों में ज़मीन पर तो कम से कम दिखे नहीं। अगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और फसल बीमा योजना की एक वेबसाइट, एक दर्शक ने अभी अभी लिंक भेजकर बताया कि इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो 2018-19 के बाद स्टेट वाइज स्टेटिस्टिक्स की कोई रिपोर्ट ही नहीं है। मतलब इस मुस्तैदी से अभी चुनाव आ जाए तो किसानों का जिक्र ऐसे होगा कि सबसे बड़े भगवान यही हैं। उसके बाद देखें तो किसान 500 रुपए के लिए तरस रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए तरस रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए हंगामा कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब जरा राजनीतिक खबरों को भी संक्षेप में देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्य की अशोक गहलोत कैबिनेट ने तीसरी बार प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। इससे पहले के 2 प्रस्ताव राज्यपाल ने कई सवालों के साथ लौटा दिए थे। नए प्रस्ताव में 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की गई है लेकिन इसमें विश्वास मत का कोई जिक्र नहीं है। ये कहा गया है कि गहलोत सरकार बहुमत में है। कोरोना संकट से जुड़े राज्यपाल के सवाल के जवाब में कहा गया कि सदन में सुरक्षा और विधायकों के बैठने आदि की व्यवस्था खुद स्पीकर देखेंगे। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के 10 महीने बाद बीएसपी प्रमुख मायावती अब हरकत में आई हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगी। इतनी देर से सक्रिय होने के सवाल पर मायावती ने कहा कि वो कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी विधायकों से कहा कि वो विश्वास मत होने पर कांग्रेस के खिलाफ वोट डालें और अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी पार्टी की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट के जरिए मायावती पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ताओं ने भाजपा को मदद की व्हिप जारी की है, लेकिन ये केवल व्हिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। दिल्ली में गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच फिर सियासत तेज हो गई है। ये डंपिंग यार्ड 65 मीटर ऊंचा है और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि अगर वो इस कार्यकाल में कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम नहीं कर पाए तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौतम गंभीर ने मेयर और कमिश्नर के साथ गाजीपुर डंपिंग यार्ड का दौरा किया और वहां रिसाइकलिंग मशीन का जायजा लिया। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि गाजीपुर में कूड़े के ढेर की ऊंचाई कम दिखाने के लिए उस कूड़े को फैलाया जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा। पानी में जाने आने में बहुत दिक्कत होता है और सरकार जो लाव लगा तो देता है नहीं पब्लिक को। आप देखिए कितना मुसीबत में हमारे यहाँ का पब्लिक है। और ये भी देखिए सरकार घोषणा कर देता है कि हम आटा देंगे, चावल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है। हेलीकॉप्टर से आता है, हेलीकॉप्टर से दिखाने के लिए, और सब पैसा समझो कि लूट मार होता है साहब। गरीब को कुछ नहीं मिलता है, कोई उपाय नहीं है। आने जाने को अपना भाग नसीब से मरे चाहे जिंदा हो जाए, भाग नसीब का खेल है। आपके पास नसीब ठीक है तो बचेगा,
नहीं ठीक रहेगा तो आप मर जाइए। न सरकार की तरफ से कोई नाव है, न कोई खाने पीने की व्यवस्था है, न कोई चीज का जुगाड़, कुछ नहीं है। कितने आदमी का बेघर हो गया है, वर्षा होता है तो पानी टपक रहा है, लेकिन वो भी परेशान है, फिर भी प्लास्टिक सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। आप तो कम से कम कुर्सी पंखा सब लेके चल रहे हैं, हम लोग तो मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमको जो लग रहा है, हमको जो अपना अनुभव है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से बिहार का कमान संभाले, उस समय से इस बाढ़ इलाके में भी काफी विकास हुआ है। बरसात के कारण अधिक पानी आई है, फिर भी सरकार हर स्तर पर तैयार है। नाव की जहां आवश्यकता है सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही है। आज से पास आज 10 साल पहले अगर आप आते तो पूरे बाजार आपको जलमग्न नजर आता। तो चूंकि थाना बहुत पुराना है और जो इसी लॉलैंड में है, इसी का कारण है, जो आपको बाढ़ जब आती है तो थाना के अंदर या समीप पानी चली जाती है। क्या करे, उसी में रहना ही है, दुख तकलीफ करके रहना है, दूसरा कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। तो ऐसे ही थाना में पानी घुसा रहता है? हाँ, पानी आता है तो पानी घुस जाता है, वहीं टेबल पर सब सामान रखते हैं। और जाते कैसे हैं आप लोग पेट्रोलिंग पे? पेट्रोलिंग रोड में गाड़ी से, देहात में जाएंगे तो नाव से। नाव सरकार दे रखी है? तो अभी तक कुछ उपलब्ध नहीं, अपना पैसा देकर जाते हैं। और फ्रांस से रफाल विमान उड़ाने भर चुका है, इसकी पहली खेप अंबाला में उतरने जा रही है। लेकिन इसके पहले प्रशासन ने ग्रामीणों को, जो एयरबेस के आसपास के ग्रामीण हैं, उनको चेतावनी दी जा रही है कि छतों पर ना जाएं और छतों पर जाकर फोटोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को भी प्रशासन की बात करनी चाहिए, जो फोटो वो जान जोखिम में डालकर लेंगे उससे ज़्यादा टीवी वाले दिन भर लगातार ज़रूर दिखाएंगे। तो न्यूज़ चैनल में आप देखिए कि रफाल ही रफाल चलेगा, उड़ता ही रहेगा जहाज़, और इस तरह से आपको अपने जान जोखिम में डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। कल टीवी वालों के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है, देश के लिए तो है ही, क्योंकि इसका लगातार कवरेज होना भी चाहिए। और इस तरह से आप प्रशासन की बातों को मानकर अपना ख्याल भी रखिए। आप सबको बधाई, रफाल विमान अंबाला में उतर रहा है, ये एक ऐतिहासिक क्षण भी है। अब इसके बाद हम वो दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो हमने अपने कार्यक्रम में दिखाई। एक तस्वीर जो है वो बठिंडा की 10वीं की छात्रा बलदीप की है और दूसरी तस्वीर उर्मिला जी की है। उर्मिला जी सरपंच हैं, पंचायत सदस्य हैं, लेकिन देखिए बाढ़ में नाव चलाकर खुद ही लोगों की मदद कर रही हैं, कितना सुंदर दृश्य है। और बलदीप जो है 10वीं की छात्रा होने के बावजूद वो किसानों के साथ के हो रहे आंदोलन में शामिल हो रही है। तो ये दो तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बनाती हैं, और ये वो दो तस्वीरें हैं जो आपको उम्मीद भी देती हैं, हालांकि ये उम्मीदें फॉल्स होती हैं, पर फिर भी उम्मीद आती है, थोड़ा सा विजुअल ब्रेक मिलता है कि कुछ पॉजिटिव इंडिया में हो रहा है। वैसे बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, यही सिर्फ दो चीज़ें नहीं हैं। और अभी एक खबर, एक महिला ने, एक लड़की ने मुझे पत्र लिखा है मध्य प्रदेश से, और उन्होंने लिखा है कि सर प्लीज़ मेरी खबर दिखाइए, मैं बैतूल एमपी में गवर्नमेंट स्कूल में गेस्ट टीचर थी। अगर शिवराज सिंह चौहान जी देख रहे होंगे तो सुन लें, कुछ करें इनका। फरवरी से अप्रैल तक की सैलरी अभी तक नहीं आई, सीएम हेल्पलाइन कंप्लेन करने पर अब स्कूल में नहीं रखने की धमकी मिल गई, ये ठीक नहीं बात नहीं है। आगे वो लिखती हैं कि आकाशवाणी में कैजुअल अनाउंसर थी, वहाँ भी ड्यूटी बंद हो गई और ड्यूटी मिली नहीं। आप 2018 की रेलवे एग्ज़ाम की खबर दिखाए थे, उसमें 18 में 500 रुपये के एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए थे और पहले भी भरे जाते थे। हल्ला मचा तो पीयूष गोयल ने कहा था कि पहले एग्ज़ाम होगी, पहले रकम दे दी जाएगी, बाद में वो रकम भी नहीं दी गई। तो इन्होंने हमारी पत्रकारिता की असफलताओं को उल्लेखित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करने पर भी सैलरी नहीं मिलती है, और रवीश कुमार के कार्यक्रम में दिखाने से भी रेल मंत्री कहा हुआ पैसा वापस नहीं करते, जबकि उन्होंने कहा था कि 500 रुपये जो लिए गए हैं इम्तहान होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। इसमें ना तो गलती सीएम की है और ना पीयूष गोयल की है, क्योंकि ये दोनों सफल हैं, असफल मैं ही हूं कि मेरे दिखाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आप ये देख रहे हैं देश का हाल या देश की बातचीत के साथ
नमस्कार।